अगर आप सच्ची में चाहते हैं ना यार कि आपके लिए पढ़ाई सिंपल और इजी बन जाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखो। यार पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, आपका दिमाग होता है जो उस चीज़ को मुश्किल बना देता है। तो आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। मैं बचपन से एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, एक उस दौर में भी थी जब मेरा जो रिज़ल्ट था वो एवरेज से भी नीचे था और मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग, बहुत बुरी और बहुत मुश्किल लगती थी। आई यूज़ टू थिंक कि पढ़ाई बहुत हार्ड है और पढ़ना बस ना एक अजाब है, एक अजाब फील होता था। तो इसी तरह मुझे लगता था ओ ए लेवल्स करके मैं अपनी ज़िंदगी का जो एक पढ़ाई का सफ़र है ना वो तय कर लूँगी। तो जी हाँ, मैंने ओ ए लेवल्स किया, मैंने अपनी ज़िंदगी का ये एक सफ़र तय किया। बेसिकली ओ लेवल्स आप मेट्रिक लगा लें और ए लेवल्स आप लगा लें इंटरमीडिएट। तो इतनी सी मैंने पढ़ाई कर ली थी। तो आप सोचें कि इंटरमीडिएट किए हुए बच्चे को कौन ही पूछता है। तो कुछ इसी तरह से मेरे साथ एक दिन हुआ कि मेरे एक बहुत अजीज़ मेरे जानने वाले हैं, लाइक वो मेरे रिश्तेदार ही हैं, उनने मुझे कहा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे बड़ी मेहनत की है, बचपन से देखा है पूरी फैमिली से मुख्तलिफ पढ़ाई कराने की कोशिश की, बिकॉज हमारी पूरी इंटायर फैमिली में कोई भी ओ ए लेवल्स नहीं कर रहा था। पूरी फैमिली में से सिर्फ मैं और मेरा भाई ओ ए लेवल्स कर रहे थे। तो ऑब्वियसली लोगों को होता है कि यार ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा इनका, कुछ डिफरेंट ही करेंगे, लाइक ऑब्वियसली एक वैलिड एक्सपेक्टेशन बना देता है। जब मैंने ये ताना सुना तो मैं बहुत हर्ट हुई थी कि तुमने अपने माँ बाप की मेहनत पे पानी फेंक दिया, तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं देगा, ये और वो फलाना ढमकाना, तुम लोगों की तो इंटरमीडिएट वाली वैल्यू है, ये और वो। आई वॉज़ वेरी हर्ट, मैं बहुत रोई, मैं बहुत अपने ऊपर मैंने बहुत किया कि यार मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत ऐसे लोगों के हाथों में कैसे, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत कैसे ख़राब कर सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की डिग्निटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, मेरे खुद की वजह से मैं उनको कैसे सफ़र करवा सकती हूँ। पढ़ाई करना मेरे हाथ में था बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ने कभी इतनी आला तालीम, इतनी अच्छी एजुकेशन खुद हासिल नहीं की, तो इसलिए उनका ड्रीम था कि उनके बच्चे इतना अच्छा पढ़ें। ऑब्वियसली बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू अ मीडियोकर फैमिली, मैं एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम हमेशा बस ये होता है कि पढ़ लिख जाएँ तो कुछ बन जाएंगे। तो सेम मेरे डैड, मेरी मदर ने भी ये सोचा कि ये कुछ अच्छा पढ़ जाएंगे तो कुछ अपनी लाइफ में बन जाएंगे। तो मुझे ये एक चीज़ इतनी खटखटाई उस दिन, मेरे दिल पे इतना, मतलब इतना दुख था ना जो मैं बता नहीं सकती। खैर मैं रोई, मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई, पर सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं था, मुझे कोई एक्शन लेना था। और उस दौरान मैं 2 साल के गैप पे थी, मेरा ए लेवल्स हो चुका था, मैंने 2 साल का गैप ले लिया था, एंड आई वॉज़ लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू जॉइन सम यूनिवर्सिटी, मुझे कोई डिग्री करनी है, मुझे पढ़ना है, बस मुझे नहीं पता। तो ये है 2019 की बात, मैंने जॉइन किया क्या नाम है यूनिवर्सिटी जॉइन की, बिकॉज ऑफ सम रीज़न मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। इट वॉज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी फाइनेंशियल रीज़न और एनी पर्सनल रीज़न, बट इट वॉज़ बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। मेरे एग्ज़ाम्स में एक एग्ज़ाम ऐसा था जो मैंने ए लेवल्स में, आई मीन ओ लेवल्स में नहीं दिया था, जो कि आप हिसाब लगा लें मैंने ओ लेवल्स में नहीं दिया था, तो कोई 5 साल पहले मैंने वो पेपर दिए थे, तो 2019 से पीछे लगा लिया आप लाइक 4-5 ईयर्स बैक, तो तब मैंने ओ लेवल्स के पेपर दिए थे, जिसकी वजह से मेरी इक्विलेंसी में मसला आया। अब वो जो इक्विलेंसी वाली स्टोरी थी वो ऐसी स्टोरी थी कि मुझे लगा भाई जोया तेरा पढ़ने का फ़ायदा क्या, तू इतना पढ़ लिख कर क्या कर रही है, तुझे यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी के लिए इक्विलेंसी की ज़रूरत है, इक्विलेंसी में कौन कौन से एग्ज़ाम्स नेसेसरी हैं और क्या चीज़ें चाहिए, तुम्हें तो पता ही नहीं है। मैंने अपने आप को बहुत डांटा, बहुत कोसा, बिकॉज पैसे भी काफ़ी अच्छे खासे वेस्ट हो गए एडमिशन के चक्रों में और सब, मुझे बहुत बुरा भी लगा। तो यार वो चीज़ ने मेरे अंदर इतनी ग्रोथ डाली, इतनी अवेयरनेस डाली कि यार यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड आउट थिंग्स जो आपको अपनी ज़िंदगी में करना ज़रूरी है। ये जो इंटरनेट पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे बैठ के हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। मैंने तब जाना बिकॉज मेकअप की वीडियो देख ली, ये ट्यूटोरियल वो ट्यूटोरियल देख लिया, फलाना ढमकाना, टिपिकल वो लड़कियों वाला मैंने बस अपना रखा हुआ था माहौल। आई डोंट वॉन्ट टू से लड़कियों वाला, बट ऑब्वियसली हर एक इंसान का ये एक ड्यूटी, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि यार वो
हर एक चीज़ को एक वेल मैनर्ड वे में यूज़ करे। वीडियो बनाने बैठूँ मैं तो ये पंगे होते हैं, मेरा जो ये माइक था इसका बंद था और वीडियो सारी रिकॉर्ड होती थी फ़ोन में। लेट्स रिकॉर्ड इट इन फ़ोन बिकॉज उसकी आवाज़ भी सही है, ठीक ठाक है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो खैर फिर इक्विवेलेंसी का जब ये पंगा पड़ा तो फिर भाई मैंने सीखा रिसर्च पर बहुत अहमियत रखता है आपकी लाइफ में। रिसर्च पर करके जाती तो मेरे पैसे वेस्ट ना होते, मेरे एफर्ट्स वेस्ट ना होते, मेरा टाइम वेस्ट ना होता, ठीक है, पैसे भी वापस नहीं मिले, एफर्ट्स भी वापस नहीं मिले और टाइम भी वापस नहीं मिला। तो इन शॉर्ट हमेशा अपना रिसर्च पर उम्दा किस्म का रखो और अपने पास ये स्किल एक अपने अंदर डालो, अपग्रेड करो अपने आप को और इंटरनेट को एफिशिएंटली यूज़ करो। इंटरनेट पर हर चीज़ मौजूद होती है बस आप। तो बाय द टाइम इक्विवेलेंसी का मसला सॉल्व हो गया था, कैसे ये भी मैं आपको बता दूँ। ये भी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। इस पर ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की थी 2019 के एंड पर और ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ 2019 मुझे पता चल गया था इक्विवेलेंसी का मसला आ गया। आई अप्लाइड फॉर माई एग्ज़ाम, ओ लेवल्स का एग्ज़ाम था मिसिंग, एक मैंने देना था। चले जी कोविड आ गया, वाह भाई वाह, डीमोटिवेट करने का एक और रास्ता निकल आया था। पहले इक्विवेलेंसी, फिर ये एग्ज़ाम में डिले होना, बहुत डिले हुआ। मैंने पूरा 1 ईयर वेट किया एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने एग्ज़ाम दिया एंड मैंने पास भी किया बहुत अच्छे नंबर से, बहुत शुक्र है रब का। और ये सब दुआएं मेरे माँ बाप की हैं। आपको बस अपने माँ बाप की दुआएं चाहिए अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास माँ बाप की दुआएं ना, समझो उसके पास सब कुछ है। तो बस मेरे पास मेरे माँ बाप की दुआएं थी और मेरा पेपर पास हो गया अच्छे नंबरों से और इक्विवेलेंसी का मसला भी सॉल्व हो गया। बट फिर क्या, फिर मैंने इक्विवेलेंसी नहीं निकवा ली बिकॉज मुझे चाहिए नहीं थी। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी भाई साहब, क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब 2019 था। फिर पूरा एक साल कोविड रहा, उस दौरान मैंने कुछ नहीं किया मैंने, बट उस दौरान पेपर की तैयारी की यार, बहुत अच्छी तैयारी की और जिसकी वजह से मार्क्स भी अच्छे आए बिकॉज मुझे एक पढ़ने का जज्बा आ गया था, एक मोटिवेशन आ गया था। और पेपर अच्छा होना, उसमें मार्क्स अच्छे आना एक गॉड की तरफ से साइन था। देखना यार, आपको साइन मिलेंगे, आपको खुदा की तरफ से मदद मिलेगी, आप दुआ भी कर रहे हैं, आप प्रे भी कर रहे हैं बिकॉज प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर कोई काम छोटा है बड़ा, पहले दुआ करें और फिर उस काम को शुरू करें, देखना आपको रास्ते खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड यही मेरे साथ हुआ, मैंने दुआ की और मैंने बोला कि यार आई डोंट नो गॉड, आई वॉन्ट यू टू गाइड मी, आप मुझे गाइड करें, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं देख सकती कि कोई मेरे माँ बाप का मजाक उड़ाए या कोई मेरे माँ बाप की मेहनत का मजाक उड़ाए बिकॉज उनने बहुत मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि वो मेहनत पे ऑफ हो। फिर मैंने बहुत मेहनत से जब वो पेपर दे दिया, मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि यार मैं कर सकती हूँ। मैंने जब ये एग्ज़ाम कर लिया तो कुछ भी अचीवेबल है, ठीक है, बिकॉज यार 5 साल पहले वाला पेपर जब आप दे रहे हो कितने टाइम पीरियड के बाद, छोटे बच्चों के साथ जाके पेपर देना, नॉट छोटे बच्चों के साथ, आई एम इन माई अर्ली 20s, तो इतना भी कोई बच्चा नहीं था वहाँ पे, बट स्टिल वो एक आपको फीलिंग होती है ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं क्यों पेपर देने जाऊँ बड़े बच्चों के बड़े, अरे कहना क्या चाहते हो, मैं बड़ी हूँ, मैं पेपर क्यों देने जाऊँ छोटे बच्चों के साथ, ये और वो, इस तरह की नॉर्मल थिंकिंग आती है। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं, हमारा टाइम इतना वेस्ट हो गया, हम पढ़ के अपना टाइम और क्यों वेस्ट करें। नहीं यार, छोटे स्टेप्स लो ना यार, छोटे स्टेप्स लो, जब तक आप ओवर थिंकिंग करोगे तब तक क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। इससे बेहतर आप छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर दो ताकि आपके काम बनना शुरू हो जाए। आप प्रे करो, आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स लो दुआ के साथ, दुआ करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है यार, छोटे छोटे स्टेप से बड़े बड़े काम होते हैं। तो बस फिर छोटे छोटे स्टेप्स लिए मैंने भी और फिर मैंने गाइडेंस मांगी खुदा से, खुदा ने मुझे गाइड किया। यूनिवर्सिटी मेरे लिए नहीं थी, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तेरे को डर नहीं लगता? यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी एविएशन और उस दौरान मैं गौरव तनेजा और रितु राठी के बहुत सारे व्लॉग्स देखती थी और मन से बड़ी इंस्पायर्ड थी, तो मैंने बोला चलो एविएशन करते हैं। बट यार आपको एक बात पता है, मुझे बाद में पता चला वो जो यूनिवर्सिटी थी ना, वो एविएशन के नाम पे जो चूरन बेच रही थी वो BBA का चूरन था। तो मैंने बोला यार ये तो मैं बच गई, क्योंकि मुझे BBA करना ही नहीं था। Miracle! मैंने खुदा का बहुत शुक्र किया, मैंने बोला यार ये अगर इक्विवेलेंसी का मसला ना होता, ये कोविड का मसला ना होता, तो फिर मुझे मेरी मदद कैसे होती। तो ये मेरी मदद हुई थी, इन शॉर्ट ये हेल्प थी जो गॉड की तरफ से मुझे मिली थी। अगेन जिस तरह पॉजिटिवली उस चीज़ को लोगे वो पॉजिटिवली ही आपकी लाइफ में होगी। बहुत से पत्थर, बहुत से मसले और बहुत सी रुकावटें आई रास्ते में, बट मैंने उस चीज़ से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिया बल्कि मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और मैंने
कुछ और परस्यू करने का सोचा, बिकॉज बाय द टाइम जब आप इतने चीज़ों को देख लेते हो तो आपको होता है यार अब मैं कुछ और कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो मेरी बात नहीं बन रही। तो वही मैंने दुआ की और फिर मैंने गॉड से गाइडेंस मांगी कि मैं क्या करूँ। बस रास्ते खुलते जाते हैं यार, जब आप अपने लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, आप दुआ करते हो, तो जैसे मैंने पहले बोला रास्ते खुद ही खुलते जाएंगे। यार मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी गलतियों की वजह से कुछ सीखा, कुछ मैंने अपने जो मैं कहती हूँ बातें कि ये नहीं कर पाऊँगी वो नहीं कर पाऊँगी, ये कुछ इन बातों की वजह से मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। तो अगर आप भी एग्जैक्टली ये चीज़ें कर रहे हो ना कि पढ़ाई से मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है पढ़ाई, कोई मुश्किल नहीं होती, ओ लेवल्स में मेरा दूसरा रिजल्ट से कंपेयर करो मेरे ये लास्ट वाले पेपर से जो मैंने अभी दिया था इक्विवेलेंसी के लिए, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विच मीन्स के आपका दिमाग है जो चीज़ों को मुश्किल बनाता है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है। आप पढ़ाई को बहुत ईजी लो, आप पढ़ाई को बहुत सिंपल समझो, पढ़ाई सिंपल है, आपका दिमाग उस चीज़ को मुश्किल बनाता है। ये बोनस टिप उन सब बच्चों के लिए जिन्हें हमेशा मोटिवेशन चाहिए होती है पढ़ने की। तो यार आप लोगों के लिए मोटिवेशन पता है क्या? मामा पापा की मेहनत, अपने माँ बाप की मेहनत याद करो। जब वो अपनी नींद ख़राब करके आपके स्कूल के लिए आपको टिफ़िन आपको रेडी करना, आपको स्कूल टाइम पर छोड़ कर आना, मैं तो नहीं कर सकती आज, मैं जब अपनी छोटी बहन के लिए करती हूँ तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि यार पापा मम्मा कैसे कर लेते थे, मुझे अपनी नींद ख़राब करना इतना बुरा लगता है। बट माँ बाप बेलॉस करते हैं, मतलब उनको कोई हमसे वो नहीं होता, लालच नहीं होता, और वो बस रेगुलरली इन रूटीन वो सब करते हैं बिकॉज दे लव अस। तो बस उन एफर्ट्स को याद करो, बार बार याद करो, हमेशा याद करो कि किस तरह वो मेहनत करते थे, किस तरह वो डबल जॉब करते थे, किस तरह वो तुमसे दूर रहते थे, अपने काम में बिजी रहते थे ताकि तुम अच्छा पढ़ सको। वो सब चीज़ें याद करो, देन देखना तुम कैसे पढ़ोगे, खुद से तुम्हारा दिल करेगा मैं पढ़ूँ, और पढ़ाई भी सिंपल और ईजी हो जाएगी। तो इससे अच्छी मोटिवेशन आपको क्या चाहिए बताएं।